दुख उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? भूल गई थी वीडियो बनाने के लिए। वीडियो में किसी का वीडियो बनाने? सर इंस्टाग्राम यूट्यूब का वीडियो बनाने के लिए फोटो ली थी। फोटो लिए थे जैसे वो बच्चों का खिलौना है वो, और वो किसका बंदूक है वो? सर एक दोस्त। हम लोग हथियार नहीं रखते तो पुलिस कर्मी है, हथियार का शो ऑफ करना कहीं भी गलत है। थोड़ा आगे आइए। कोई नहीं, कोरोना वाला डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, ठीक है। एक चीज बताइए मैडम, आपको बंदूक उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? सर मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतना कुछ हो जाएगा, सिर्फ मैं फोटो ली थी सॉक्स। फोटो लिए थे जैसे डालेंगे तो थोड़ा लगेगा कि मैं? नहीं सर डालेंगे कि नहीं, सिर्फ ऐसी शौक से फोटो बस सॉक्स। क्या शौक है मैडम ऐसा वेपन के साथ फोटो खिंचाने का? वो बच्चों का खिलौना है वो, और वो किसका बंदूक है वो? सर एक दोस्त। दोस्त क्या नाम है दोस्त का? गौरव। तो गौरव ने वो आपको लाके क्यों दिया वो? सर मेरे को लाके नहीं दिया, उनके पास में देखा तो सिर्फ मैं फोटो ले। उनके पास के घर गए थे आप? नहीं सर। तो वो आप घर लेके आए बंदूक? अरे यार की बताओ, बंदूक है हाँ। दोस्त का है वो, कानूनी बंदूक है गैर कानूनी है? गैर कानूनी है, कट्टा है। तो वहाँ तक आप दोस्त के घर गए, दोस्त आपके घर आया? सर एक्चुअली मैं घूमने गई थी। घूमने गई थी कहाँ पे? रायपुर गई थी वीडियो बनाने के लिए। वीडियो में किसी का वीडियो बनाने? सर इंस्टाग्राम और यूट्यूब का वीडियो बनाने के लिए। इंस्टाग्राम वीडियो इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो वहीं पे मैं, मेरे को थोड़ा कुछ जरूरत था तो फिर वहीं पे मैं अपने फ्रेंड को फोन लगाई तो वो वहाँ पे रुका हुआ था, तो मेरे को बोले यहाँ पे नीचे आओ, मेरे को नाम नहीं पता उस जगह का। तो मैं उस जगह पे गई ना तो वहीं पे उन लोग बैठे हुए थे, तो उस जगह पे मैं देखी तो मैं बोली मैं एक फोटो ले लूँ। तो बंदूक ले घूमता है रायपुर में ऐसे सड़क पे वो? सर अब घूमता है तभी तो। अरे घूमता है, सही बात है, बंदूक लेके घूमते हैं सब दिन दहाड़े। कितने बजे की बात है ये? दिन की बात है। कितने बजे फिर हम? चार पाँच साढ़े छः बजे बंदूक लेके घूमते हैं वो सड़कों पर, आपको मिल गए और वो बंदूक उन्होंने खोल के दिखा दिया आपको, फिर आपने क्या बोला कि इसको मैं फोटो खिंचाऊंगी? सर मेरी फ्रेंड ले रही थी फोटो तो उसके शॉप में मैं भी ले ली। फ्रेंड ने भी लिया तो फ्रेंड को देख के आपने भी ले लिया। फ्रेंड का नाम क्या था आपके? माहिन। लड़का जो है? नहीं वो लड़की है, उसने भी फोटो लिया। आप ये सब शौक पालना अच्छी बात नहीं है मैडम, गैर कानूनी है। सर मेरे को नहीं पता था सर। मैडम कानून सबको पता होना चाहिए, कानून को एक एक बंदूक को, छोटे बच्चे भी बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते। बंदूक तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल चीज है, वो भी गैर कानूनी। पता नहीं है कानूनी है कि गैर कानूनी है। हम लोग हथियार नहीं रखते तो पुलिस कर्मी है, हथियार का शो ऑफ करना कहीं भी गलत है। चलिए ले जाइए जरा। जनता द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 7898815399 पे लगातार आर्म्स का इस्तेमाल करते हुए वीडियो, गलत सड़क पे गलत गाड़ी चलाते हुए वीडियो, हुक्का लेते हुए वीडियो, फोटो भेजे जा रहे हैं जिस पे दुर्ग पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही। आज एक कार्रवाई में एक महिला जो कि हथियार के साथ फ़ोटो खिंचा रही थी, इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। एक व्यक्ति द्वारा जो कि लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की गई नए साल में, उसके ऊपर कार्रवाई की गई। कुछ लोग फरार हैं अभी, उनकी पताफाजी की जा रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जनता से मेरी अपील है कि जिनके पास भी लाइसेंस हथियार है उसको कभी भी बर्थडे न्यू ईयर किसी भी सेलिब्रेशन में किसी को धमकाने के लिए दिखाना या फायर करना कानूनी अपराध है, उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई भी होगी। वैसे ही यूको से अपील है कि वो देसी कट्टा जो इलीगल मार्केट से ना खरीदें, उसको ना प्रदर्शित करें, अन्यथा आर्म्स एक्ट के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस द्वारा संभव है। जनता से भी लगातार अपील है कभी भी ऐसे फोटो वीडियो कहीं देखें तो तुरंत मेरे नंबर पे भेजें।